तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। दोस्तों हम लोग लूसेन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा वाला पार्ट पहले उठाए थे। ठीक है, वो अलजेब्रा आज खत्म होने वाला है। आखिरी चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इसमें से इसका भी दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, जैसा कि सब सब चैप्टर का दो दो पार्ट में किए हैं, तो इसका भी दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ये लिखा है 14 9 और -8 7। देखिए ये डिटरमिनेंट्स है, और डिटरमिनेंट्स में क्या किया जाता है, देखिए इससे गुना कीजिए और इससे गुना कीजिए। ठीक है, जब कीजिएगा तो 14 7 कितना होगा दोस्तों, 14 7 आपका होगा 98। ठीक है, माइनस में तो माइनस। अब देखिए इसमें माइनस लगता है, और फिर 8 9 कितना होगा 72, तो माइनस ये 72 हो जाएगा। तो देखिए -98 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8 में से 2 जाएगा तो 26 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए दूसरा, देखिए लिखा है वैसे ही कीजिएगा, इससे गुना कीजिए। ठीक है, और इसमें इससे गुना कीजिए, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, इसका आंसर 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कॉस अल्फा -sin अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कैंचिया गुना कर दीजिए। पहले इसमें गुना कीजिए फर्स्ट। ठीक है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो साइन में साइन से करेंगे, इधर माइनस साइन है, तो पहले तो सूत्र माइनस का। ठीक है, उसमें करेंगे साइन में साइन से करेंगे, तो -sin² हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो लिखा है x5 और x लिखा है। ठीक है, और 24 लिखा है, कुछ नहीं करना है, क्या बोले हैं, पहले तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद किस में कीजिएगा, इसमें कीजिएगा। ठीक है, ये इधर ये जो ब्लू पेन से लिखे हैं वो फर्स्ट स्टेप है, और ये जो रेड से लिखे हैं वो सेकंड स्टेप है। देखिए फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड है। ठीक है, चलिए कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x, और ये आपका उधर 24 है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसा तोड़िए, आप तो पढ़ेंगे 10th का, ये है 8 और 3 कीजिएगा 3x, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 8x। ठीक है, और ये 24। ठीक, और इसमें कॉमन ले लीजिए दोस्तों, x x लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, इधर कॉमन लीजिएगा तो 8 और x, और इधर क्या हो जाएगा 8 3 का 24। ठीक, x-8 और x+3 इक्वल टू 0, एक का आ जाएगा आपका 8 और एक का आ जाएगा -3। ठीक है, बहुत इजी था, ये तो फैक्टराइज करना था, इसमें कुछ करना नहीं था, ये तो 10th का सवाल है ये वाला। ठीक है, और ये देखिए कुछ नहीं किए, लिखा था तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए जैसे होता है डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, इसमें इससे कीजिएगा, इसमें इससे कीजिएगा इक्वल टू 24। ठीक है, आपका कीजिएगा तो ये तो इतना आ गया, 24 को इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन किए तो आंसर आ जाएगा 8 और -3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो तो सब ईजी था लेकिन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो बोले हैं कि पहले इसमें गुना करूँ। ठीक है, तो करेगा तुम तो cos 25 इंटू cos 65 हो जाएगा, और माइनस ये कितना लिखा है sin 65 इंटू sin 25। ठीक है, अब देखो ये cos a+b में है। ठीक है, cos a+b का सूत्र है, देखो cos a × cos b, sin a × sin b, तो इसका जो सूत्र होता है तुम्हारा cos a+b होता है। ठीक है, तो cos, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा 25 + 65, करेगा तुम तो cos तुम्हारा 90 आ जाएगा, cos 90 का मान तुम्हारा 0 होगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। देखो cos 25 को ये ऐसा है, तो पहले गुना करो इससे इसमें, फिर इसमें इसमें। ठीक है, गुना जब तुम करेगा तो तुम्हारा एक फार्मूला का यहाँ तैयार हो जाएगा, cos a × cos b -sin a × sin b, ये फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है cos a + b, cos a + b का फार्मूला क्या होता है cos a × cos b -sin a × sin b। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन को देखो, ये भी पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। देखो पहले इसमें क्वेश्चन आप गुना करो तो क्या आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा +3m, ठीक है, और बराबर 8। ये 3m ऐसे ही रख दो, ठीक है। 8 मान लो, 8 में से 20 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा, होगा 12, ठीक है। एम बराबर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। बहुत ही इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। आप इसमें गुना करो तो 20 हो जाएगा, इसमें करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3m, और ये 8 के 8, ठीक है। कुछ नहीं किया, 3m इधर ही रख दिया, 8 के इधर 20 इधर लगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3m 20 8 20 में से 8 में से माइनस 20 जाएगा तो कितना होगा, 12 होगा ना, और 3m माइनस 12 और m बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना है, सब इजी इजी दिया है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है दोस्त। देखो इसमें गुना करेगा तो तुम क्या होगा, x होगा, ठीक है, और माइनस, ठीक है, और ये तुम्हारा इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स और माइनस माइनस क्या होता है दोस्त, प्लस। तो एक्स प्लस वाई आंसर। अब देखो इसका भी क्या करेगा, इसमें गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है, और माइनस 15 चौका कितना होता है, 60 = 0। अभी 4x इधर 60 जाएगा दोस्त, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब इजी था, ये सब आएगा नहीं। चलो देखो दोस्त, ये वो लिखा है, ये इतना का और बराबर -10 दिया तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, इसमें गुना करो आप क्या होगा, s² होगा, और आप इसमें गुना करोगे तो क्या होगा, 7x होगा, ठीक, कोई दिक्कत। और ये -10 इधर आएगा तो दोस्त प्लस होगा, ठीक है, = 0। इधर कुछ नहीं करना दोस्त, फैक्टराइज कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो s² है, इसको करेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2x और -5x, 5 × 2 = 7, इससे गुना करेगा तो 10 आ जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा आ गया, कॉमन ले लो दोस्त x, ठीक, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 5 और x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा x - 5 और x - 2, ठीक है, = 0। ये करेगा तो तुम x का मान 1 5 आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ए है दोस्त। इसमें कुछ नहीं करना था, तुम गुना करो, x में x से करेगा तो s² हो जाएगा, ठीक है, और माइनस फॉर्मूले का है, मतलब तो ये तो नियम है डिटर्मिनेंट्स का, और फिर इसमें करेगा तो -7x हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 जो है इधर मैं ला दिया हूँ तो पहले माइनस में था, और बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, = 0। उसके बाद कुछ नहीं किया दोस्त, फैक्टराइज किए हैं जो 10वां में तुम पढ़ा होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट। देखो दोस्त ये बोला है, ये अगर कोई भी रो में 2 कॉलम या 2 रो समान हो, ठीक है, समझना कि 2 रो और 2 कॉलम समान हो तो उसका आंसर क्या आता है दोस्त, 0 आता है, ठीक है। देखो इसमें 1 रो समान है, ये दूसरा का रो भी समान है, अगर कोई भी ये 2 रो और 2 कॉलम समान हो तो उसका आंसर 0 आता है। जैसे दोस्त देख, ये क्या है दोस्त, ये तुम्हारा क्या है दोस्त, रो है, ठीक है, और ये तुम्हारा कॉलम है, ठीक है, रो और कॉलम समझ जाएगा। तो देखो दोस्त इसमें क्या था कि तुम्हारा क्या रो 2 था वो तुम्हारा 1 समान था, जैसे 1 1 1 1 1 1, और ये इधर देख दोस्त, इधर कॉलम तुम्हारा समान है, ये कॉलम 11 26 37 है ना, 11 24 37, तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम 1 समान हो तो उसका दोस्त आंसर क्या आता है, 0, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख दोस्त ये लिखा है 2 4 6, और देखो एक बात बता दूँ, कोई भी डिटर्मिनेंट्स में पूरी की पूरी 1 रो 0 हो या पूरी की पूरी 1 रो 1 रो 0 हो या पूरी की पूरी 1 कॉलम 0 हो तो उसका मान दोस्त क्या होता है, 0। देखो इसमें तुम्हारा पूरी की पूरी 1 रो 0 है, ठीक है, तो उसका मान दोस्त क्या होगा, अगर पूरी की पूरी 1 कॉलम 0 होता तो मान भी 0 होता, ठीक। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख दोस्त ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इतना तरीका से बना सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, इसको बहुत सा तरीका से बना सकता हूँ, जैसे कि तुम्हारा इसमें माइनस करके, ठीक है, और डायरेक्टली मान करके, डायरेक्टली प्रसार करके, लेकिन एक नया मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। देख दोस्त ये देख ध्यान से, ये लिखा है 1, ठीक है, 1 और 1, ठीक है, ये लिखा है 2 3 और ये 4, ठीक है, और ये 4, ये 6 और ये 9। देख दोस्त कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल के टोटल ये कॉलम है ना, एक बार और लिख देना है 1 1 और 1, और एक और लिखना है, ये टोटल का टोटल एक बार और लिख देना है, दोहरा देना है, ठीक है,
बहुत सिंपल है, इसको एक बार और इधर लिख देना है। अब देख दोस्त, तीन तीन का कॉलम बनाना है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक। और तीन तीन का आराम से कॉलम बना सकता है, ऐसे ही बना सकता है, और नहीं तो एक और तरीका है वैसे ही बना सकता है। देखो इसमें सुन माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो और वन, इसमें इसमें माइनस करेगा तो माइनस वन, इसमें इसमें करेगा तो माइनस वन, ये हो जाएगा चार, ठीक है। इसमें इसमें तुम माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस दो, इसमें इसमें करेगा तो कितना हो जाएगा, छः तीन नौ, छः तीन नौ माइनस थ्री, ये नाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और एक ले लेगा ये वन, ये वन, तुम्हारा क्या हो जाएगा तीन, और ये हो जाएगा दो, तीन में से दो हो जाएगा तुम्हारा एक आंसर, जो कि तुम्हारा बी वाला है, ठीक है। और भी एक और तरीका है, ये तो समझ लिया तरीका, ठीक है। एक और तरीका देख लो इसका मिटाने वाला, ये तरीका समझ लिया तो एक और तरीका देख लो, एक और तरीका है बता दे रहा हूँ। इसको एक 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 लिख सकता है, दो थ्री फोर, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर सिक्स और नाइन, ठीक है। हम इसको बोले हैं कि एक बार और लिख देने के लिए, वन वन और ये वन, इसको क्या लिखेगा, दो थ्री और ये फोर, तो तीन तीन का तुम पेयर बना सकते हैं। देखो ये तीन का पेयर, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तीन का पेयर, ठीक, और ये तीन का पेयर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तुम गुना करेगा तो कितना होगा, उनतीस सत्ताईस, ठीक। ये प्लस छः दूना बारह प्लस चार चौका सोलह प्लस, अब देखो, अब फिर इधर से भी तीन तीन का पेयर बनाना है। देखो ये तीन का पेयर, ये सामने वाला, तो छः चौका कितना हो जाएगा, चौबीस, लेकिन जब तुम नीचे से जाएगा तो माइनस होगा, तो छः चौका चौबीस, इधर से तीन का पेयर बनाएगा तो नौ दूना अट्ठारह, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक इसका बन गया और ये तुम्हारा हो गया, और एक इधर भी बनना है तुम्हारा, चार तीन बारह, ठीक है। अब गुना करेगा तुम तो छः दो आठ, आठ सात चौदह के चार, ठीक है, और एक दो और चार कितना हो जाएगा, पाँच चौवन, और ये चौवन नहीं पचपन होगा इधर शायद, पचपन पचपन होगा, जोड़ लो, छः चार दस, दस दो बारह, बारह बारह और तुम्हारा सात उन्नीस, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, यहाँ से जोड़ना है, छः दो आठ, आठ सात चौदह के चार, ठीक है, और दो चार एक पाँच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर जोड़ लो तुम्हारा, आठ दो दस चौदह के चार, ठीक है, एक एक दो और दो दो चार, चार कुछ गलत हो रहा है दोस्त, इधर पाँच होगा, रुको इस रूल को मैं एक और अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, वेट, देखो दोस्त ये लिख देना वन वन वन, ठीक। एक तरीके से तो बताइए सकता हूँ, एक 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 आंसर आ गया, दूसरा देखो स्टाइल इसका, ये दो कॉलम को एक बार लिखोगे वन वन वन, ठीक, और इसको लिखोगे दो तीन और चार, ये कॉलम को दोबारा यहाँ पे उतार दिया। अब कुछ नहीं करना दोस्त, तीन तीन का पेयर बना लो, तीन ये तीन और ये तीन, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा उनतीस सत्ताईस प्लस छः दूना बारह प्लस चार चौका सोलह। अब तुम इधर से जाएगा तो माइनस होगा, देखो तीन का पेयर इधर भी बनाओ, ये होगा चार तीन बारह, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा छः चौका चौबीस, ठीक, और ये तुम्हारा हो जाएगा नौ दूना अट्ठारह, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख दोस्त, छः दो आठ, आठ आठ सात कितना होता है, आठ और सात सात पंद्रह, पंद्रह होता है, दो और दो चार एक पाँच, पचपन हो गया दोस्त। अब इधर देख दोस्त, आठ चार बारह, बारह और दो चौदह के चार, ठीक, एक तीन चार, चार एक पाँच, ठीक है दोस्त, पाँच हो जाएगा, और पचपन में से चौवन जाएगा तो दोस्त एक होगा, जो कि तुम्हारा वन आंसर है दोस्त, ठीक है। दोनों रूल बता दिया हूँ दोस्त, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा रूल है ये, तो मैं कॉपी में लिखा हूँ, देखो ये मेरा फट गया इधर, दस से क्वेश्चन था मेरा, एक एक्सरसाइज फट गया है, तो उधर एक कॉपी पे लिखा हूँ मैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, दस ग्यारह ये तीन चार, मेरा एक दो गायब है, देख लो ध्यान से, एक दो गायब है, तो इधर कॉपी पे लिखा हूँ एक दो वाला, तो देख लो ये कैमरा, ये रूल बुझा गया दोस्त, अगर ये रूल समझ में आएगा तो एक बार और इसको बताना चाहूँगा मैं फिर से, तुम लोग को बहुत मज़ा आ जाए, देखो इसको बताऊँगा तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, और इसको बहुत बड़े से बड़े सवाल इसको हल कर दोगे, एक
एक और एक, ठीक। क्वेश्चन उतार दो, दो ये तीन ये चार, तुम्हारा देख लो चार, और तुम्हारा क्या होगा चार छः और ये नौ, ठीक ठीक दोस्त। अब देख दोस्त, ये जो पूरा का पूरा दो कॉलम है यहाँ पे उतार दो, वन वन और ये वन, ये दो तीन और चार, क्या समझे दोस्त? ये जो दो टाइप है सेम बगल में उतार दो, ठीक है, एक को छोड़ कर बगल में उतार दो। अब कोई क्या करना है दोस्त, तीन का पेयर बना लो, देखो तिरछा तिरछी, एक दो और ये तीन, जब बनाएगा तुम तो 9 3 कितना होता है दोस्त 27, प्लस इसमें गुना करेगा 6 2 9 12, 12 में कम 12, ठीक है दोस्त। अब देख 4 में 4 से करेगा तो दोस्त 16 होगा, ठीक। अब देख दोस्त, अब तिरछा तिरछी गुना कर, 4 3 12, ठीक, फिर तिरछा तिरछी गुना कर, कितना हो जाएगा 6 4 24, किसी को दिक्कत दोस्त? प्लस अब देखो फिर यहाँ तिरछा तिरछी गुना करो, 9 2 9 18, इसको करेगा तो तुम 55 आ जाएगा, इसको करेगा तो तुम 54 आ जाएगा, तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा। इसका केम ये होता है, बहुत मस्त रूल है, सारस रूल है, इसको सारस रूल बोला जाता है दोस्त। सारस रूल का ये थी, देखो एक बार समझा दिए तुम लोग को मजा आ जाएगा। ये रूल देखो, इसका क्या होता है कि तीन गो पेयर, एक गो दू गो और तीन गो नीचे खींचा जाता है, और उसी प्रकार से एक गो दू गो और तीन गो ऊपर खींचा जाता है। जब तुम नीचे खींचेगा तो पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है, और जब नीचे खींचेगा तो पॉजिटिव, और जब ऊपर खींचेगा तुम्हारा तो नेगेटिव साइन देगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स बीच में, और यही तुम्हारा सारस रूल है, जो कि तुम पढ़ा होगा तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा दोस्त और बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ तुमको, ठीक है। देखो दोस्त, तुमको 13 नंबर क्वेश्चन जो बताया है उस पर थोड़ा टाइम दिए कि तुमको सारस रूल समझ में आ जाए, तो तुम इसको सारस रूल से भी बना सकता है, या ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकता है, या प्रसार से भी बना सकता है, ठीक है, जो मन कर सो से बना। तो देखो इसमें क्या करो कि तुम ये जो इसमें से ये घटा दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, इसमें से ये घटाएगा तुम्हारा -1, इसमें से ये घटाएगा तुम्हारा -5, फिर इसमें से ये घटाएगा तो 0, फिर इसमें से ये घटाएगा तो -1, फिर 9 में से 16 में से 9 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना, देख लेना मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ढीला है, -7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 4 और ये 16 हो जाएगा। अब देख दोस्त, इसमें से हमको क्या होना है, डिटरमिनेंट्स में ये माना जाता है कि जितना 0 आ जाए उतना हम लोग को फायदा है, ठीक है दोस्त। तो देख एक ले लेंगे ये बंद और ये बंद, ठीक है, देखो एक लेगा तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो बचेगा ये और तुम्हारा ये बचेगा, तो 7 में से 5 जाएगा दोस्त, तो 2 होगा तुम्हारा आंसर बी, ठीक है। इसको बहुत तरीक़े से तुम बना सकता है दोस्त, सारस रोल से बना सकता है, ट्रेडिशनल मेथड से बना सकता है, प्रसार करके बना सकता है, इसको 0 करके जैसे हम बनाए वैसे बना सकता है, बहुत मेथड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन ये पूछ सकता है, ठीक है, जितना भी ये वाला रहता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का, वो क्वेश्चन में तुमको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो दोस्त, इसको हल कर सकता है, तुम क्या करेगा C1 में क्या करेगा, C1 और C2 जोड़ देगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इसमें जोड़ेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वन और ये ओमेगा, ये देखो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या रहेगा तुम्हारा ओमेगा और वन। देख दोस्त, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है, 0 होता है और 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, और कोई भी डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई भी एक पैरल, ठीक है, मतलब कोई भी कॉलम और कोई भी रो, टोटल का टोटल उसका वैल्यू 0 है, ठीक है, टोटल का कॉलम का कॉलम उसका 0 है, या रो का रो पूरा टोटल 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 0 आंसर आता है, ठीक है। जैसे देख लो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1, और क्या है ओमेगा और 1, देखो इसमें क्या है, एक टोटल के टोटल क्या है तुम्हारा कॉलम 0 है, इसका मतलब इसका आंसर डी होगा, यानी 0 होगा, ठीक। चल दोस्त आगे दोस्त, ये क्वेश्चन देख दोस्त, इसमें लिखा है 2 3 4, अब ध्यान से देखना, वही रो में, ठीक है, 2 3 4 दिया है, देखो फर्स्ट रो और ये थर्ड रो समान है दोस्त, इसका मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई भी अगर दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका वैल्यू क्या आता है दोस्त, 0 आता है। फिर से दोस्त सुनना,
कि डिटरमिनेंट्स में क्या होता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका आंसर दोस्त जीरो आता है। ठीक है दोस्त, इसमें कुछ करना नहीं था। ये देखो दो तीन चार, और उसी रो में क्या था, दो तीन चार, दो दो रो में एक समान वैल्यू आ गया है तो दोस्त जीरो होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। दोस्त ये 17 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्त, कुछ नहीं करना दोस्त, इसमें देखो बहुत सा मेथड से तुम बना सकता है भाई, इसको प्रसार करके बनाओ, तुम्हारा सारस मेथड से बनाओ। सारस एक काम करो, मैं सारस मेथड का ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा तुमको, ठीक है, उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल बता दूंगा, तो तुम लोग को बहुत मजा आएगा उसको बनाने में, और डिटर्मिनेंट्स को पूरा ये तोड़ने में, ये बन करके ये तोड़ो, ये वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारस मेथड जान जाओ, डिटर्मिनेंट्स को फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको जीरो वाला वैल्यू करो, हमको जीरो मंगाओ, डिटर्मिनेंट्स में जितना जीरो बनाएगा उतना तुम्हारा फायदा होगा। देखो दो 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 इसको समान है, इसको मतलब इसमें दो में दो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दो में दो माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्त करते हैं, क्या करते हैं, छः में दो जाएगा तो दोस्तों कितना होगा आपका, चार होगा। दिक्कत, छः में दो जाएगा तो चार, और तुम्हारा माइनस तीन में माइनस एक जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस दो हो जाएगा, इसका जीरो। दो में माइनस दस जाएगा तो दोस्त कितना होगा तुम्हारा, बारह। ठीक है, और तुम्हारा माइनस एक में माइनस तो माइनस छः हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो, और ये दस, पाँच और दो उतार दो, देखो दो को जीरो आ गया। ठीक है, तो जो जितना जीरो आएगा उतना हम लोग को फायदा होता है। ठीक है, तो वही रो उठा लेंगे। ठीक है, ये दो वाला उठा लेंगे, जो दो दो तुम उठाएगा, ठीक है, दो उठाएगा तो ये बंद और ये बंद, ये बंद, तो छः चौका दोस्त कितना होता है, चौबीस, बारह दिन में चौबीस होता है। ठीक है, और ध्यान देना दोस्त, इधर चौबीस है और इधर प्लस का चौबीस है, ये एक कट जाएगा तो दोस्त जीरो होगा, कोई भी संख्या में दो से गुणा करें तो जीरो आएगा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ए वाला। बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ये 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। एक बात बताना चाहता हूँ, देखो इसको मेथड से बनाने के लिए ना कितना मेथड है तुमको सोच भी नहीं सकता है। देखो पहला मेथड है सारस मेथड, दूसरा का है प्रसाद मेथड, तीसरा का इसको एक्सपेंशन मतलब इसको जीरो जीरो करके बना सकता है। अब देखो एक नया चीज़ देखो, ये डिग्री ट्रिक से भी बन सकता है, साइकिल ट्रिक से भी बन सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना ट्रिक से इसको बना सकते हैं। पहला बात कि पहले इसको जीरो जीरो करके बनाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो, ये जीरो वन, ए माइनस बी हो जाएगा, ये b माइनस सी हो जाएगा, ये c, ये बी सी माइनस सी ए हो जाएगा तुम्हारा, ये सी ए माइनस ए बी हो जाएगा, और ये b बच जाएगा, कुछ नहीं करना है। जीरो वाला ये दो को जीरो आ गया, एक वाला उठा लो चुपचाप, क्या हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, गुना करो a माइनस बी, ठीक है दोस्त, और ये a माइनस बी, और इसमें होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, c और a माइनस बी। ठीक, और फिर ये इससे करो माइनस b माइनस सी, और इसमें करेगा तो तुम क्या होगा, बी सी और सी ए, इसको तुम सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा हाजिर। ठीक है, इसको इतना मेथड से हम बना सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। दोस्त ये वाला क्वेश्चन देखो, हम आपसे बोले थे कि मैं इतना ट्रिक से बना सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो इसका पहला ट्रिक सारस मेथड है, दूसरा का क्या है प्रसार मेथड, तीसरा का क्या है इसको जीरो करके बनाओ, ठीक है, और चौथा का डिग्री ट्रिक, पाँचवा साइकिल ट्रिक, और छठा क्या है भाई, हीट एंड ट्रायल, मतलब पुटिंग वैल्यू। देखो पुटिंग वैल्यू भी आज सीख लो कैसे बनाते हैं। देखो पुटिंग वैल्यू में ये होता है कि ऑप्शन अगर जो पुट करते हैं वो समान नहीं होना चाहिए, मतलब सबका अलग अलग होना चाहिए। मान लें कि हम एक पुट करते हैं तो देखो इसमें एक नहीं है, इसमें अगर तीन है, अगर ए का वैल्यू हम ए पुट करें, बी का वैल्यू एक पुट करें, सी का वैल्यू एक पुट करें, तो इसका तीन आंसर आएगा। देखो इसमें अगर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए के मान वन, ठीक है, b के मान वन और c के मान वन पुट करे तो इसका देखो तीन आ जाएगा, एक प्लस दो प्लस तीन आ जाएगा, इसका करेगा तो तुम एक दो तीन और एक इसका चार आ जाएगा, और इसका तो एक है ये है और इसका जीरो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन उठाओ, ठीक है, लेकिन वो ऐसा ऑप्शन उठाओ कि दूसरा ऑप्शन सेम ना हो। जैसे मैं एक उठाया हूँ तो देखो इधर तीन आ गया, इधर चार आ गया, इधर जीरो आ गया, इसका मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है तुम, ठीक है, लेकिन तुम ए का मान ए मान लो, बी का मान वन मान लो, सी का मान वन मान लो, ऑलवेज ऐसा ही मानना, ठीक है। अगर तुम्हारा ऑप्शन सेम आ जाए तो दो भी मान सकता है, बी का मान, सी का मान दो तीन भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, तुम्हारा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे मैं देख लो, मैं ए का मान वन माना हूँ, बी का मान वन माना हूँ, सी का मान वन माना हूँ, तो देख लो वहाँ पे ए, यहाँ पे ए वन माना हूँ तो इधर क्या हो जाएगा दोस्त, दो हो जाएगा, ये वन वन, इधर क्या हो जाएगा वन, ये दो वन, इधर क्या हो जाएगा वन वन, ये दोस्त क्या हो जाएगा दो, ठीक है। इसको सॉल्व तुम करेगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, ये वन ये वन, चार में से एक जाएगा, ठीक, तुम वन लेगा, ठीक है, तो ये वन ये वाला वन
और ये वन, तो दो में से वन, ठीक, और प्लस तुम वन लेगा तो ये वन और ये वन, तो वन में से दो जाएगा। अब देख दोस्त, चार में से जाए तो इसका छः हो जाएगा, इसका दो, ठीक, दो में से एक जाएगा तो एक होगा, एक होगा, इसका देखो दो में से एक जाएगा तो माइनस एक, माइनस एक होगा, छः ये दो हो जाएगा, और छः में से दो जाएगा तो दोस्त कितना होगा, चार होगा, इसका मतलब डी वाला सही है। ये है दोस्तों ऑप्शन पुटिंग स्टाइल, तुम सोच भी नहीं सकता कि मैं कितने तरीके से इसको बना सकता हूँ। देखो मैं ये बोला हूँ कि ऑप्शन में ऐसा वैल्यू पुट करो कि ऑप्शन समान ना हो जाए। देखो मैं एक पुट इसलिए किया कि देखो इसमें एक पुट इसलिए किया कि देखो इसमें ए एक दो तीन हो गया, ठीक है, इसमें एक दो तीन एक चार हो गया, इसका जीरो ही आ रहा है। कहने का मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑप्शन तुम पुट कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक दो तीन पुट करो, कोई ज़रूरत नहीं है, तीन भी पुट कर सकता है, सब में दो भी पुट कर सकता है, दस भी पुट कर सकता है, ठीक है। ऐसा वैल्यू पुट करो भाई कि ऑप्शन समान ना हो, सबका ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो, ठीक है। तो चलो दोस्त अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त है लेकिन इजी भी है, कुछ करना नहीं है। क्या कहें, देखो जीरो एक है तो दो ही वैल्यू पुट करना है, मान लो वन प्लस एक्स लेता है तुम, ठीक है, तो ये वन और ये वन, तो तुम्हारा एक में जीरो करेगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसका एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा। देखो फिर से बता देता हूँ, वन प्लस एक्स लिया, ठीक है, तो ये बंद और ये बंद, तो वन में जीरो से करेगा तो जीरो, इसका होगा वन, समझ में आया। अब देखो तुम लेगा वन, कोई भी ले लो, ये वाला वन लिया है, तो देखो ये वाला टोटल बंद और ये बंद, तो वन में वन से करेगा तो दोस्त क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो, ठीक है। तो वन प्लस एक्स बचा, इधर माइनस एक बचा, इधर करेगा जीरो में से जीरो होगा तो जीरो होगा। अब देख दोस्त इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा, करो आपका वन में वन से होगा तो क्या होगा, माइनस वन, ये आपका माइनस एक्स, और बराबर में क्या दिया है, माइनस छः, ठीक। और देखो माइनस एक्स, ठीक, और माइनस छः इधर आएगा तो कितना होगा आपका, इधर प्लस होगा, माइनस ये तो प्लस ऑलरेडी है, ये प्लस होगा, ये वन तो प्लस होगा, और इसमें इसमें तो माइनस होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, इधर आएगा तो कितना होगा, प्लस होगा, और माइनस एक्स और माइनस छः में से एक जाएगा तो दोस्त कितना होगा, माइनस फाइव, यानी एक्स का मान पाँच आएगा, ये माइनस माइनस कर जाएगा तो, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ नहीं करना दोस्त, वन प्लस एक्स एक बार ले लो, एक बार वन ले लो, ये लेगो तो सब जीरो ही टोटल हो जाएगा, जब वन लिए तो ये पूरा वन में से बन जाएगा तो डी जो, तो इसको हटाइए तो टोटल कोई मतलब नहीं है। रहा बात इसका तो माइनस वन बचा, तो वन में माइनस वन से करेगा तो कितना होगा, वन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस वन होगा, यहाँ पे माइनस छूट गया, अच्छा अभी किए नहीं है, इधर माइनस वन में वन से करेगा तो माइनस वन, माइनस वन में एक्स में करेगा तो माइनस एक्स, इधर का सॉल्व किए तो कितना आएगा तुम्हारा, पाँच, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, देखो इसको भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, तुम सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। एक तो जोड़ के बना सकते हैं, वन प्लस एक कॉमन लेकर बना सकते हैं, एक माइनस लेकर बना सकते हैं, इसका डिग्री ट्रिक भी है, इसका साइकिल ट्रिक भी है, बहुत सारा ट्रिक से इसको भाई बना सकते हैं, ठीक। तो पहले तो चलो इसको कुछ अलग तरीके से बना, हाँ एक हीट एंड ट्रायल से बना लिया जाए। चलो हीट एंड ट्रायल से अगर तुम बनाता है, अगर वन हम क्या बोले हैं, वन का मान वन रखो, बी का मान तुम वन रख सको, मान लो वन में से वन जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी दूसरा का ऑप्शन भी मिल रहा है तो हम वन नहीं रखेंगे मेरे दोस्त। ए का मान वन रख लो, बी का मान तुम दो रख लो, ठीक है, और सी का मान तुम तीन रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम ए का मान क्या रखेगा, वन, बी का मान दो, सी का मान तीन, ठीक है। तो देखो सब अलग अलग आ रहा है, ए का मान वन रखा है, सब अलग अलग आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तीन दो छः सात ना चाहिए, देखो कोई भी नहीं है। इसमें करो अब ए में से बी घटाओगे, ए में से बी घटाओगे तो माइनस वन, ठीक है, गुन्ना बी में से सी घटाओ, बी में से सी घटाएगा तुम तो माइनस वन, ठीक है, गुन्ना, और सी में से ए घटाना है, मतलब सी में से ए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली फॉर दो, तो दो में दो ये हो जाएगा तुम्हारा एक, माइनस एक माइनस एक एक हो जाएगा, और ये दो, इसका मतलब दो आ रहा है, इसका वैल्यू भाई कितना आ रहा है, दो आ रहा है, एक ऑप्शन एक आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, एक माइनस वन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं रखा हूँ ए का मान वन, बी का मान दो और सी का मान तीन, इसका मतलब ये हुआ कि सब ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब मैं ए का मान वन रख सकता हूँ, बी का मान दो रख सकता हूँ, सी का मान तीन रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो रखो भाई, जब तुम रखेगा तो वन वन वन, ए का मान क्या रखना है, वन, बी का मान दो, सी का मान तीन, ए का मान वन, बी का स्क्वायर कितना होता है चार, सी का स्क्वायर तीन, त्रिका नौ, ठीक। अब दोस्त क्या करोगे, इसको जीरो कर लो, किसको जीरो करो, इसको
तो जीरो जीरो ये हो जाएगा वन, एक में से जाएगा वन ये माइनस वन ये तीन, एक में से चार जाएगा तो माइनस तीन, ये हो जाएगा माइनस पाँच ये नौ। अब दोस्त इसको हल कर सकता है, वन वन ले लो ये, तो ये वन और ये वन तो पाँच ये तीन, पाँच में से तीन जाएगा तो दोस्त कितना होगा दो, और दोस्त दो किसका आया है डी का। ये होता है दोस्त ऑप्शन मेथड। तुम सोच भी नहीं सकता भाई, इसको तुम रिपीट करके देखना, अगर ये तुम सीख जाएगा ना तो आर एस अग्रवाल को तुम कुछ नहीं समझेगा, बच्चा लगेगा आर एस अग्रवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या करो, सी वन में सी टू घटा दो, सी टू में सी थ्री घटा दो, मतलब इसमें ये घटा दो इसमें ये घटा दो, सिंपली तुम्हारा आ जाएगा। जब घटाएगा एक में से दो घटाएगा तो कितना होगा तुम्हारा माइनस वन, ठीक है। माइनस तीन में से पाँच घटाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस दो, ठीक, यहाँ तक दिक्कत। और सात में से दस घटाएगा तो माइनस तीन, एक्स कट जाएगा, तुम घटा के देख लेना भाई, देख लो यहाँ पे, नहीं तो बोलेगा तुम डायरेक्टे काहे कर रहे हो मास्टर, घटाओ एक्स प्लस टू घटाओ भाई, देखो एक्स एक्स कट जाएगा और एक में से दो जाएगा तो कितना होगा माइनस वन होगा, तुम घटा के देख लेना, मैं डायरेक्टे कर दिया हूँ, ठीक है। एक माइनस दो और माइनस तीन, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें इसमें तुम घटाएगा तो कितना होगा तुम्हारा माइनस दो, इसमें इसमें घटाएगा तो माइनस तीन, और दस में चार गए तो माइनस चौदह, और ये एक्स प्लस फोर ऐसे ही उतार दो, एक्स प्लस एट ऐसे उतार दो, एक्स प्लस चौदह ऐसे उतार दो। अब देखो क्या करो, अभी कुछ घटाया जा सकता है क्या, बोलो अभी भी इसको घटाया जा सकता है। अगर तुम घटाएगा आर वन में से आर टू घटाएगा तो तुम्हारा जीरो आ सकता है, अगर एक में से दो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा एक होगा, ठीक, घटा सकता है। देखो क्या करो, आर वन में से आर टू घटा दो, आर टू में से आर थ्री घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक घटाएगा तो एक आ जाएगा, दो घटाएगा तो एक आ जाएगा, तीन घटाएगा तो माइनस, ये तुम्हारा क्या जाएगा एक आ जाएगा, सॉरी ये माइनस थ्री होगा, ये घटाएगा तो तुम क्या आ जाएगा दो, चार में से दो घटाएगा तो कितना, ऐसे नहीं घटा रहे हम लोग, हाँ एक हम ही ना, कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते हैं हम। ये घटाएगा तो तुम कितना होगा तुम्हारा दो होगा, चार और दो कितना होता है, चार और दो छ, और छ तुम्हारा चार और दो छ, हम लोग ऐसे घटा रहे हैं, तो चार आठ में से चार जाएगा तो माइनस चार होगा, ये तुम्हारा चार हो जाएगा, ये तुम्हारा छ हो जाएगा, और एक्स प्लस चौदह। अभी भी कुछ कर सकता है ना, अभी भी क्या कर सकता है भाई, इसको जीरो तुम कर सकता है, अभी भी इसको जीरो घट सकता है। तो सी टू में सी वन घटा दो, आराम से जीरो कर लो, जो इसको करेगा तो देख लो जीरो जीरो वन, इसको वन वन, और ये का इतना हो जाएगा चार, ठीक है। इसको करेगा तो चार माइनस चार और माइनस छः, और ये का हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस चौदह। अब कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा लॉन्ग था हमको पता है, तो एक तुम ले सकता है। अब जब एक लेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस छः, और तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा छः, और ये हो जाएगा प्लस चार, तो छः में से चार जाएगा तो तुम्हारा कितना होगा दोस्त माइनस दो, जो कि तुम्हारा ए वाला ऑप्शन होगा। ये तो बहुत लंबा था, ठीक है, बहुत लंबा था, पर कोई बात नहीं, बहुत ही इजी था। पहले क्या किया कि देखो इसमें इससे घटाया, इसमें इसमें घटाया, फिर इसमें इसमें घटाया, ठीक है। ये जब एक एक घट गया, फिर क्या किए कि एक बार इसमें इससे घटाया, फिर एक में इससे घटाया, देखो ये आ गया। अब क्या किए, हमारा वन वन जहाँ दिखता है उसको जीरो करने के लिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, इसको तुम जो रूल से बोलेगा उस रूल से हम बना देंगे, तुम जो रूल बोलेगा उस रूल से हम बना देंगे, ठीक है। जैसे जो भी बोलो, सारस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई भी मेथड से इसको बना सकते हैं। चलो सारस मेथड से इस पर ट्राई किया जाए। वन वन प्लस ओमेगा, जैसे क्वेश्चन है उससे उतारा हूँ पहले, ओमेगा वन वन प्लस ओमेगा, ये वन प्लस ओमेगा ओमेगा, ये देखो सारस मेथड क्या होता है, ये दो पंक्ति इधर लिख दिया जाता है, ठीक है। वन वन प्लस ओमेगा, ये ओमेगा क्या बचा, वन ओमेगा वन वन प्लस ओमेगा। अब तीन के तीन का पेयर बनाया जाता है, देखो तीन का पेयर ऐसे बना, तीन का पेयर है ना भाई, ये भी तीन का पेयर है और ये भी तीन का पेयर है, कोई दिक्कत, ये रहा तुम्हारा तीन का पेयर। जब करेगा एक ने एक से गुना करेगा तो क्या होगा वन होगा, ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू होगा, ओमेगा क्यू का मान दोस्तों कितना होता है वन होता है, ठीक है। अब देखो बचा ये, तो एक वन प्लस ओमेगा है, एक और वन प्लस ओमेगा है, एक और वन प्लस ओमेगा है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हैं भाई, वन प्लस ओमेगा का क्यू, कोई दिक्कत। अब देखो इधर भी तीन का पेयर बनाओ,
तो ओमेगा ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा, ये दे है ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा, ये भाई सारा तुम्हें सर ठीक है माइनस, अब क्या हो जाएगा इसमें इसमें करो तो फिर ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा ठीक, और माइनस अब क्या बच गया फिर ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा, तो इधर लिख दो ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा। अब देखो वन प्लस वन क्या होता है, दो होता है, किसी को दिक्कत? अब वन प्लस ओमेगा क्यू का मान कितना होता है तुम्हारा, वन होता है, वन ओमेगा से ओमेगा ओमेगा गुना करेगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ठीक है, इसको जब तुम हल करेगा तो कितना आएगा, एक ओमेगा दो ओमेगा तीन हो गया, इसका मतलब थ्री ओमेगा वन प्लस ओमेगा, किसी को दिक्कत? इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना, दो एक, इधर हो जाएगा तीन, तीन इधर प्लस होगा ठीक, और ये माइनस, सॉरी ये माइनस हो रहा है, दो एक तीन। अब देखो क्या करना है, इसको इसको जोड़ दो, तीन दो कितना होता है दोस्त, पाँच, और ये वन, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, चार, जो कि तुम्हारा आंसर ए वाला दिया है। ये है दोस्तों सारस मेथड, इसको समझने के लिए ना थोड़ा माइंड चाहिए ठीक है, इस पर अलग वीडियो हम बना के तुमको देंगे। ये है सारस मेथड, बहुत मस्त मेथड है, अगर ये तुम सीख लेगा तो तुमको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स तुमको हलवा लगेगा ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यार, ये क्वेश्चन है, यदि लेमडा ई आर एवं डेल्टा ए बी सी जो भी दिया है तो निम्नलिखित में किसके बराबर हो। पहला बात देखो यार, कोई भी कांस्टेंट राशि अगर मल्टीप्लाई होता है ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट राशि अगर मल्टीप्लाई होता है या तो रो से मल्टीप्लाई होगा या तुम्हारा कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो बात को, ये कोई भी कांस्टेंट राशि देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है लैम्डा, तो कोई भी कांस्टेंट राशि ठीक है, कोई भी राशि यहाँ दो चार छः कोई भी हो अगर मल्टीप्लाई होगा तो कोई एक रो से होता है या तो कोई कॉलम एक कॉलम से होता है, समझ रहे हो बात को, कोई भी एक रो से होता है कोई कॉलम से होता है, अगर कोई कांस्टेंट राशि अगर गुना होता है कोई डिटर्मिनेंट्स में तो एक रो में होता है और नहीं तो एक कॉलम में होता है। तो ध्यान से देखना इसमें देखो क्या किया है, कांस्टेंट राशि अगर गुना किया, मान लो ये कांस्टेंट है ना तो ये गुना किया ऑप्शन में देखो, इसमें भी कर दिया है इस मतलब कोई भी एक रो में या कॉलम में करना चाहिए ना, ये रो में भी कर दिया है कॉलम में भी कर दिया है, तो ये सारा सर गलत है, समझ रहे हो भाई। अब देखो इसमें देख लो तुम, इसमें एक इधर कर दिया है तो ये गलत है, इसमें इसमें ये क्यों किया है ये भी गलत है। अब देखो इसमें क्या किया है, एक रो में किया है और एक कॉलम में किया है और एक रो में किया है, ये भी गलत है। तो ध्यान से सी वाला को देखो, सी वाला में क्या किया है कि एक मात्र तुमको कॉलम में किया है, ध्यान से देखो लेमडा ए लेमडा सी एक कॉलम में किया है, तो इसका मतलब सी वाला सही है ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है, आज तक आज सॉरी आज 25 तक होगा ठीक है, और उसके बाद बच्चा जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में करा देंगे, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का दो दो पार्ट किया हूँ ठीक है। तो अच्छा लगा दोस्तों, हाँ सारस रूल उसको ध्यान से देखना, क्योंकि दो तीन बार उसको टाइम दिया हूँ इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो कभी बन जाता क्वेश्चन, तो देखना ध्यान से सारस रूल वाला को ठीक है, और वीडियो को शेयर करना दोस्त, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर कर सकता है अगर तुमको लगता है कि हाँ अच्छा है तो तुम शेयर कर सकते हैं ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।